कोलारस विधानसभा के रन्नौत थाना क्षेत्र के ढेंगुआ गांव में अज्ञात लोगों ने ढेंगुआ गांव के पुराने मरघट खाने में गोवंश को बंधक बनाकर रखा था, जिसकी सूचना जैसे ही कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को लगी तो विधायक ने तत्काल कोलारस SDM मोतीलाल अहिरवार को संपर्क कर ढेंगुआ गांव के पुराने मरघट थाने में कैद गोवंश को आजाद कराया है। जानकारी के मुताबिक हेजवारा गांव का रहने वाला KP यादव आज शनिवार को ढेकुआ गांव के पास होकर गुजर रहा था। KP यादव को एक साथ कई गायों के रंभाने की आवाज सुनाई दी। कारण जानने के लिए KP यादव जंगल में गया था, जहां उसे मरघट खाने में गोवंश बंधक हाल में मिली। अज्ञात लोगों के द्वारा मरघट खाने की बाउंड्री के भीतर गोवंश को कैद करके रखा हुआ था। गाय बाहर ना आ सके इसके लिए पत्थर की दीवार बनाकर रास्ते को बंद कर दिया था। KP यादव ने इसकी सूचना और एक वीडियो बनाकर विधायक तक पहुंचाई थी। इसके बाद राजस्व की टीम ने मौके पर पहुंचकर गोवंश को आजाद कराया। विधायक ने फिर गोवंश की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने गोवंश से संबंधित एक बार फिर अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट कर विचारणीय पहलू को सामने रखा है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जी, आपकी विधानसभा में कुछ लोगों ने गायों को बंधक बनाकर रखा था, क्या कुछ पूरा मामला था? पिछले दो दिवस पहले रन्नौत जो हमारी नगर पंचायत है उससे 5 किलोमीटर पूर्व जो जंगल का इलाका है वहाँ पुरानी गौशाला की बाउंड्री है एक दो बीघे में, उसमें अन्न गांव से शायद पशु जंगल और तालाब होने की वजह से लोग वहाँ छोड़ जाते हैं किसान भाई। पहले तो मैं निवेदन करूँगा कृषक बंधुओं से कि गौ माता की चिंता करें, हम समाज की जिम्मेदारी है कि हम उनकी देख रेख करें, इस तरह लावारिस न छोड़ें। और चलो छोड़ भी गए लावारिस जंगल और तालाब के क्षेत्र में तो फिर गौ माता जाएगी कहाँ? वहाँ कोई अज्ञात आसपास के कृषक बंधुओं ने किसी गांव के उस गौशाला में उनको बंद करके बाहर जो रास्ता था 10 फीट का उस पर खंभों से चिनाई कर दी, मतलब परमानेंट उनको बंद कर दिया। और ऐसा बता रहे हैं 4-5 दिन से वो बंद थी, क्योंकि रोड से दूर जंगल में है, किसी ने नज़र नहीं लगाई। हमारे KP यादव सरपंच एजवारा उन्होंने किसी तरह से वहाँ से निकल रहे थे, गायों की आवाज़ सुनी और मुझे वीडियो कॉलिंग को बताया, तो मैंने तत्काल SDM कोलारस अहिरवार जी को कहा कि इन गौ माताओं को आज़ाद कराएं। पर ये बहुत ही विचित्र और दुखद घटना है कि जंगल में और तालाब किनारे भी गौ माता अगर निराश्रित भी है, चलो किसानों ने भगा भी दी तो कहाँ जाएगी वो? ये पूरे प्रदेश देश के लिए, हम सब मानव जगत के लिए चिंता का विषय है। गौ माता की चिंता सबको मिलकर करना चाहिए। मेरा इतना ही निवेदन आपके माध्यम से क्षेत्रवासियों से, किसान भाइयों से, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।